आज हम लोग हड़बड़ी में व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे, दोनों ही भागने के मूड पे हैं हम लोग आज। तो ये होता है जब घर से हम बस का टाइमिंग देख पाते हैं और लगता है कि भाई बहुत लेट हो गया, भागते हैं। तो इंट्रो भी ऐसे भागते भागते शूट कर रहे हैं आज हम लोग। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक मॉल, बेसिकली डाइवर्सिटी मॉल में, बीच के करीब है। हाँ, बीच के करीब है, तो बीच भी थोड़ा देख पाएंगे। तो अच्छा, एक चीज तो मैंने पूछा ही नहीं, कैसे हैं आप सब? हम तो एकदम बिंदास है। तो आज तो आज जो है जाते हैं डाइवर्सिटी मॉल और आपको भी लेके चलते हैं, ठीक है? तो चलिए, लिफ्ट भी आ गया, नीचे चल के बात करते हैं, ठीक है? आ गए नीचे। और आज का वेदर इतना मस्त है ना, मतलब यहाँ का क्लाउड फ्लाउड बहुत मस्त लग रहा है। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, ठीक है? यहाँ का वेदर आज बहुत अच्छा है, एकदम घूमने लायक वेदर है आज, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज थोड़ा लेट निकले हैं हम लोग। कितना बज रहा है अभी? दो दस बज रहे हैं अभी। तो 2:10 को हम लोग निकले हैं घूमने के लिए। एक्चुअली प्लान जब हुआ ना, तभी ऑलमोस्ट 11:30 बज रहा था जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि निकलना है। फिर हम लोगों ने हम लोग 10 बजे, हाँ, कल एक्चुअली बहुत फ्रेंड्स आए थे घर में, तो लेट सोना हुआ हमारा, तो उठे हैं 10:30 बजे और प्लान हुआ 11:30 बजे। फिर हम लोगों ने लंच वंच किया करके, फिर जो है हम निकले आज। तो अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाऊंगी ना, एक सेकंड मैं दिखाती हूँ आपको। आपको बेहतर दिख रहा है आसमान में कितने बादल छाए हुए हैं, लेकिन धूप भी बड़ी बढ़िया सी है। और ये रहा सराउंडिंग हमारे एरिया का। सॉरी, थोड़ी जल्दी में दिखा रहे हैं क्योंकि अभी लिटरली हम लोग को भागना पड़ रहा है बस पकड़ने के लिए। यही दिक्कत है, इंडिया में पहले दिख नहीं रहा था ना कहाँ से कब बस आएगी, तो आराम से निकलते थे या घर बैठे दिख जाता है बस की टाइमिंग क्या है, इसलिए यहाँ पहले तो दिख जाता है बस की टाइमिंग क्या है। तो उस हिसाब से हम लोग भाग रहे हैं अभी कि नहीं 5 मिनट और बस है, कि नहीं भागेगा तो अगला बस आई थिंक 40 मिनट बाद है, इसके बाद इतना तो वेट हमसे होगा नहीं, तो इसलिए अभी भाग रहे हैं। चलो बस में चढ़ के पहुँच के फिर वीडियो फिर से स्टार्ट करते हैं। बाय। अभी हम लोग सही में पानी पानी हो जाएंगे। मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। यही होता है जब आप छतरी भूल जाते हैं और खुद को दिलासा देना होता है कि नहीं, हमने सही काम किया है। चलो अभी रखते हैं, मॉल के सामने आ गए, फिर जाओ करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग पहुंच गए डाइवर्सिटी मॉल, नाम तो दिख गया होगा। तो बेसिकली आए तो हैं हम राउंड वन के लिए, लेकिन ये चीज़ यहाँ का बहुत फेमस है, गंडम स्टैचू। मैं दिखा दूँ आपको 2 मिनट में, ये इतना बड़ा स्टैचू गंडम का आप देख सकते हो। वैसे गंडम जिनको पता नहीं, वो बेसिकली एक एनीमे कैरेक्टर, एक फिगरीन जैसा है, रोबोट जैसा, हम लोग जैसे ट्रांसफॉर्मर्स देखते हैं हॉलीवुड में, वैसे ही कुछ है। मैंने देखा नहीं है कहता था, तो मुझे इतना आइडिया है नहीं, लेकिन ये मूव करता है तो ये देखने में मज़ा आता है। देख सकते हो ये हिल रहा है, रही
आ गए हम लोग स्पोचा में, जहाँ पे आने वाले थे ना, मैं बता रही थी। अच्छा, बताया कि नहीं बताया? नहीं पता। वो एक स्पोचा में आने वाले थे हम लोग डाइवर्सिटी मॉल में, तो वो अभी टिकट काट रहा है यहाँ पे। मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ कि गेम सेंटर कैसे होता है। यहाँ पे बहुत सारे गेम्स होते हैं जो आप खेल सकते हैं। खेलना ही पड़ेगा। स्टार्ट।
क्या है ये, बुल राइडिंग? आए हाय। पकड़े रहो उसे, पकड़े रहो तभी वो मूव करेगा। पकड़ के रहो उसे, दबा के रखो, दबा के रखो। अरे डंडा नहीं है यार। हाँ पकड़े रहो उसे। क्या छोड़ क्यों रही है 2 मिनट अंदर? बात बात छोड़ना नहीं है। इस लड़की को देखो भाई, ये चढ़ेगी क्या? ये तो डर के मारे इसकी हालत खराब हो गई है। ये पकड़ के नहीं रह रही है कि ये घूमेगा। इतना सुंदर है ये, सारी क्या विजुअल इफेक्ट से बन रहे हैं ये? सच में यहाँ पे मिट्टी वगैरह है, सारे एनिमेशन से किया है मुझे लग रहा है। बच्चों के लिए है तो इसीलिए हम लोग घुस नहीं रहे अंदर, लेकिन बहुत सुंदर है। आ गए हम लोग हेलो किटी शॉप में। जिन जिनको ये कैरेक्टर पता है उनको मजा आएगा। वैसे यहाँ पे आओ ना, यहाँ से आते हैं। देखो ये छोटा सा क्या है पता नहीं, 600 येन का ये वाला, कितना सा छोटा सा चीज़ है, लेकिन बहुत महंगा आता है यहाँ पे चीज़। ये 3400 का है। ओह अच्छा, ये कैरेक्टर मैं बहुत देखती थी ना बचपन में, याद आया मुझे। हेलो किटी देखती थी ना बहुत, ये बनी है। अच्छा ये बनी वैसा नहीं दिख रहा है जैसे शिनचैन में जो है, शीरो। नहीं शीरो नहीं, वो जो मारती है ना वो छोटी बच्ची का माँ, जब शिनचैन के ऊपर गुस्सा आता है नानी की मम्मी। कितना है इसका प्राइस? सुविनियर शॉप है तो अच्छा खासा है। 3740 का है। प्राइस नहीं बताती मैं, ऐसे ही देख लो आप सब। पिलो है क्या? देख लो ये हेलो किटी है। मुझे ना यहाँ पे एक पिक्चर लेना है, लेके दोगे? तो आ गए हम डोरेमोन के शॉप पे। वो तो इतनी खुश हो गई कि वो अंदर घुस गई, मुझे बोला वीडियो करने के लिए, तो मैं वीडियो करके दिखाता हूँ। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर सारे सुविनियर्स मिलते हैं डोरेमोन के, तो लेकिन आई मीन सबको इंटरेस्ट तो हो गई। अब तो बचपन में कैरेक्टर से सब हम लोग भरे हुए हैं। डोरेमोन प्लेट सही है। इतना खुशी से बहुत देर बाद देख रहा हूँ। सोचा मैं थी निकलने के बाद थोड़ी मायूसी हो गई थी क्योंकि उसको भूख लगी थी और सही का कुछ ढंग का खाना मिल नहीं रहा था हमें, लेकिन अभी यहाँ आके बहुत खुश हो गई फिर से। हाँ एनी वेयर डो। अरे नोबिता और सिजुका का छोबी, हम लोग यहाँ पे अपना छोबी लगा सकते हैं ना। हाँ अरे ये देखो डोरेमोन उनके पॉकेट से निकल रहा है। इसका प्राइस कितना लिखा है ना? कोई आइडिया नहीं मुझे। ये बिकने वाला चीज नहीं है, हो सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ।
हाँ जो बिकने वाले उनके प्राइस लिखे हुए हैं वैसे नीचे। एक्चुअली यहाँ ये लिखे हुए हैं जैसे पकड़ लो ये वाला चीज़ है, ये बॉक्स बॉक्स में रहते हैं, इसके बॉक्स के नीचे प्राइसेस लिखे हुए हैं यहाँ पर। जैसे इसका प्राइस है 11,000 नहीं दिखना बैरकपुर में मिलता है ये वाला, दिखा दो ये वाला बैरकपुर में मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है यार। 500 मांगा था मैंने, 250 का बार्गेन किया था नहीं दिया, तो यहाँ पे 11,000-12,000 का बेच रहे हैं ये लोग। ये ऑफिशियल मर्चेंडाइजिंग स्टोर है राइट, अब इसे कौन समझाए कि ऑफिशियल मर्चेंडाइजिंग स्टोर और एक गली की दुकान में क्या फ़र्क है। चलो कोई नहीं, ये इतना बड़ा डोरेमोन है देखो, इसके साथ एक छोभी लेना है, नहीं पहले मुझे एक पिक्चर लेना यहाँ पे। बाहर निकलते ही ये गार्डन दिख गया, गार्डन में नहीं है पता ये क्या, एक पहाड़ निकलने के टाइम पे एक ब्रिज आया, उस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं हम बेसिकली। यहाँ पे देखो फूल कितने सुंदर है, यहाँ पे ना ऐसे होता है कि रास्ते में जो फूल नहीं होते ऐसे नॉर्मल, वो भी बहुत सुंदर होते हैं। ज़्यादा थक गए, कितना चलना पड़ा। वो डाइवर्सिटी मॉल नहीं गए थे, उस मॉल से बाहर निकल के उसने कहा कि यहाँ पे ना एक बीच है जाओगे, मैं सोचा कि चलो यार इतना पास आके बीच में नहीं जाएंगे, चलते हैं। जाने के बाद देखा कि एकदम सुनसान सा वो है, नदी जैसा बीच है, समुंदर जैसा लगा नहीं, रिवर साइड है जो भी हो, सुंदर तो है लेकिन बहुत चलना पड़ा। मतलब वापस आने के टाइम हालत खराब हो गई, तो उन्हें भागे जैसे तैसे करके, बस की भी दिक्कत थी, बस के टाइमिंग के लिए भागना पड़ा, सुबह भी भाग भाग के निकले। हम लोग जब व्लॉग स्टार्ट किए थे तब हम लोग भाग रहे थे है ना, फिर घर लौटने के टाइम भी हम लोग भाग ही रहे थे, तो भागी में आज का दिन खत्म हुआ। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा आज का ब्लॉग तो फिर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना, और प्लीज़ शेयर करना। ठीक है।